अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, अपने लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कल कहाँ तक हम लोगों ने काम किया था। तो बीजी कलर को हम ओपन कर लेते हैं शीट के अंदर। तो ओपन करता हूँ मैं अपने पास सब में इनको, और इसके अंदर हम बीजी कलर को भी ओपन कर लेते हैं, कोडिंग को और दे देते हैं क्या क्या काम किया हमने। यहाँ पे काम किया था, हेडर को यूज़ कर लिया, फॉन्ट्स को यूज़ कर लिया। तो आज फोन को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। और वो क्या है जी, यहाँ पे ये हमने फोन यूज किए थे, लेकिन फोन को हमने अभी तक ऐसे यूज नहीं किया कि हम इसके एलिजन को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, एलिजन इसमें कंट्रोल नहीं होता था, हमें यहाँ पे ये देखिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। आज मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लिया जाए। और वो कैसे कंटिन्यू करना है, ये साइज वन है, मैं चाहता हूँ इसको ये चेंज करें कलर। अब ये देखिए कलर का जो ऑप्शन है ना, कलर का ऑप्शन हम हेडर के अंदर यूज नहीं कर सकते, लेकिन सीएसएस सॉरी ये फॉन्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको, हमारे बैकग्राउंड कौन सा जी, हमारे पास बैकग्राउंड रेड है, मैं कहता हूँ कि ये येलो हो जाए। अब मैंने क्या किया जी, मैंने अब ये वाले जो लाइन है ना, इसका कलर चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट इसका हो चुका है कलर चेंज, लेकिन यही चीज आके अगर मैं करता हूँ कि हेडर के अंदर, अब ये हेडर हमारे पास, यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ कि कलर चेंज हो। अब मैंने ये देखिए कलर का ऑप्शन सारा कुछ लगा लिया है, इसको मैंने ब्लू कलर दे दिया, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो हेडर मानता है हमारी बात, कुछ में फॉन्ट मानता है। तो अब इसने हमारी यहाँ पे बात नहीं मानी, इसका मतलब इसके यहाँ पे हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं आता हूँ ये वाले इस फॉन्ट के अंदर, यहाँ पे आके हम करेंगे कलर सिंपल लगाएंगे और मैं बोलूंगा ब्लू कलर हो जाए। अब आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा। ये जी मेरे पास ब्लू कलर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, अच्छा ऐसा कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लेते हैं, ताकि हेडर हमें नजर ही ना आए, हेडर का कुछ भी लिखा हुआ और जो भी हम लिख रहे हैं वो फॉन्ट का हमें नज़र आता रहे, ठीक है। नहीं जी, अब समझेंगे आप बात को। ये देखिए यहाँ पे हेडर हमारे पास मौजूद है, लेकिन हेडर नजर नहीं आ रहा, यहाँ भी हेडर मौजूद है नजर नहीं आ रहा, लेकिन फॉन्ट का साइज नजर आ रहा है, फॉन्ट जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी आते हैं, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम पर्पल कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कलर आया कि नहीं आया, पर्पल कलर आ चुका है। अब आपको साइज में भी अच्छे से फर्क पता चलना शुरू हो गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी ब्लू, स्काई ब्लू हमने कलर कर दिया, ये भी अच्छा कलर आ गया। और इसके बाद फिर इसमें आते हैं फाइव वाले में, इसमें भी आके हम कलर करते हैं, ग्रीन कलर कर लेते हैं। ये कह रहा है बार बार हमें बाय करो, हम बाय नहीं करेंगे, हमारे पास फ्री में काम चल रहा है, तो भाई बाय क्यों करें, बाय करने में हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये हमारे पास ग्रीन कलर आ चुका है। इसी तरह ग्रीन कलर के साथ आप कंट्रास्ट करवा सकते हो ग्रीन के साथ येलो का, मैं कहता हूँ कि ग्रीन येलो। देखिए जी, मैंने दो कलर बोल दिए, ग्रीन और येलो दोनों, उसने दोनों की बात मानी और दोनों का मिक्सअप हमें दे दिया। अब सेवन में जाते हैं, यहाँ भी आके मैं कहता हूँ कि कलर हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कलर कौन सा करता है, मैं कहता हूँ कि येलो ग्रीन हो जाए। अब ये देखते हैं इसके बाद मानता है, लेकिन इसने इसकी बात भी मानी। अब ये देखिए सेवन तक हम लोगों ने कलर क्या कर लिया, बिल्कुल चेंज परफेक्ट और इजीली अपने इस्तेमाल में ले आए। लेकिन अब मैं आता हूँ ये वाले फोल्डर में, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो। ये नहीं है, अब हेडर का कलर तो चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट से, अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हेडर का कलर चेंज नहीं हुआ तो हम कलर चेंज नहीं कर सकते, ये बात गलत है। हम इसका कलर अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं टैग यूज करता हूँ फॉन्ट का, फॉन्ट टैग स्टार्ट, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि फॉन्ट टैग क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, कलर, मैं कहता हूँ इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, वो कलर क्या हो जाए, बिल्कुल रेड हो जाए। अब स्टूडेंट हमने हेडर के अंदर HTML में यूज करते हुए देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं, कलर नहीं हो रहा, क्यों कलर नहीं हो रहा, क्योंकि वो हेडर ऊपर की जानी है। नहीं,
ये कलर चेंज हो चुका है, इसका कलर रेड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह हम सब फॉन्ट को यहाँ से देख के यहाँ तक यूज कर लेते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से लेके कॉपी कर लेता हूँ इजीली, और यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। रेड की बजाय पिंक कलर कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, पिंक की बजाय कौन सा कलर कर लेते हैं हम, ग्रे कलर कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऑरेंज कलर, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ कोई सा भी कलर जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइट ब्लू ग्रीन और चलो ऐसा कलर तो नहीं होगा, येलो कर लेते हैं, फिर मैं आपको कलर बनाना सिखाऊंगा, वहाँ से हम सारे कलर लेके आ सकते हैं। नहीं जी, ये कलर तो हो चुका है और ये सबका येलो कलर हो चुका है। स्टूडेंट ये क्या बात हुई, मैंने तो कलर नहीं बोला था, ये कैसे हो गया? ये देखिए, इसका कलर भी हो गया, इसका कलर भी हो गया, क्यों कलर हो गया? हम सबको करते हैं यहाँ से लेके, मैं कहता हूँ ये वाला, ये वाला, ये वाला, हम इसको कैसे खत्म कर दें। नहीं स्टूडेंट, अब दोबारा आते हैं, कलर चेंज करते हैं, एक और दिलचस्प सी मालूम आते हैं आपके साथ, चलो शेयर कर देता हूँ। अब इनके चीज कलर चेंज नहीं हो रहे, लेकिन अब मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल ये वाले, यहाँ पे आके मैंने यूज किया फॉन्ट टैब स्टार्ट किया, और यहाँ पे आके मैंने बोल दिया कलर, और मैं बोलता हूँ रेड। अब मैंने यहाँ पे आके फॉन्ट रेड बोल दिया कलर, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। लो स्टूडेंट, जहाँ जहाँ HTML था, जहाँ जहाँ सॉरी हेडर था, जहाँ जहाँ हेडर था और जहाँ जहाँ हेडर नहीं था, जहाँ भी फॉन्ट यूज हुआ है वो तो हुआ ही हुआ फॉन्ट यूज, और जहाँ पे फॉन्ट यूज नहीं हुआ वहाँ पे, जैसे ये वाला था, ये ना तो हेडर था ना फॉन्ट था, जैसे कि ये देखिए आपको दिखाता, ये बड़ा ऐसा ना हेडर था ना फॉन्ट था, वैसे लिखा हुआ था। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आई एम यूवर टीचर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, मैंने इसको कलर तो नहीं बोला था, लेकिन इसका कलर भी हुआ पड़ा है एंड यूवर टीचर। इसका कलर क्यों हुआ पड़ा है स्टूडेंट, इसकी एक मेन रीजन है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक कलर हो, इससे ज़्यादा कलर ना हो, तो फिर क्या होगा? मैं यहाँ पे आऊँगा हेडर फोर के अंदर, यहाँ पे आके मैं टैग लगाऊंगा और क्लोज कर दूंगा फोन का टैग। अब क्या होगा? अब ये होगा कि फोन का कलर सिर्फ वहीं तक रह जाएगा, फोर तक, फोर से आगे इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब कि होना तो ये था कि फोर से आगे भी इंक्रीज हो सकता जैसे ये सब में था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि बात समझने की है कि अगर टैग हमने स्टार्ट करना है तो टैग हमने क्लोज लाजमी करना है। अगर हम टैग को क्लोज ना करेंगे, अगर वहीं का वहीं रह जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे काम करना सारा कुछ बंद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको क्लोज करता हूँ, और रेड की बजाय हम कहते हैं कि यहाँ पे कलर हो जाए। अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी फॉन्ट यूज कर लें, नहीं फॉन्ट इसमें भी कलर कर लेता हूँ, कलर नहीं बोला भाई, कलर बोला, और कलर मैं कहता हूँ कि येलो हो जाए। अब स्टूडेंट किसकी बात मानेगा ये? अब देखते हैं कि ये बात किसकी मानता है। अब हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ तक, जहाँ तक हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया ये थ्री से, इससे आगे आगे उसने कलर कर दिया कौन सा, येलो कलर कर दिया, कौन सा कलर कर दिया, येलो। लेकिन कहाँ तक किया? सिर्फ ये सेवन, सेवन से आगे जितना था उसका कलर उसने फिर रेड कर दिया, नजर आ रहा है, ये रेड कर दिया, ये रेड कर दिया, ठीक है। अगर मैं आगे यहाँ पे ग्रीन कलर, ब्लू कलर कर लेता हूँ तो क्या होगा, सब में वो ब्लू कर देगा, लेकिन जहाँ पे हमने फोन का टैग क्लोज किया उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर
मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही करें, इंशाल्लाह न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।